हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो गाइज। तो गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप तो फ्री फायर हैक करने का तरीका बताते हो, हैक देते हो, लेकिन हैक रिमूव करने का तरीका नहीं बताया हो अभी। तो गाइज, मैंने पहले दूसरा तरीका था हैक रिमूव करने का, वो वीडियो मैंने डाला था, और मुझे चेंजिंग करनी है उसमें, तो मैं बता देता हूँ। एंड गाइज, ये जो रिमूव करने का तरीका है ये इंजेक्टर के लिए है। मोड मेन्यू के लिए आपको क्या करना होगा, मोड मेन्यू को आप अनइंस्टॉल कर दो, आपका हैक रिमूव हो जाएगा। इंजेक्टर के लिए आपको ये प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको जेड अचीवर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ एंड्रॉयड में चले जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, देन डेटा में चले जाना है, और उसके बाद आपने फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में यूज किया है हैक। तो गाइस, अगर आपने फ्री फायर मैक्स में किया है तो आप, या अगर आपने फ्री फायर में किया तो आपको यहाँ पास फाइल मिलेगा DTS, यहाँ पास रहेगा फ्री फायर, और फ्री फायर मैक्स वालों के लिए होगा फ्री फायर मैक्स। तो गाइस, मेरा फ्री फायर मैक्स है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, देन आपको फाइल पे क्लिक करना है, एंड कंटेंट कैचे पे क्लिक करना है, एंड कंपलसरी फाइल को आपको डिलीट कर देना है। ओके, और इसको डिलीट करने के बाद आपका हैक रिमूव हो जाएगा। गाइस, आपका हैक रिमूव हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं वीडियो में। बाय।